एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज है हमारा जयपुर ट्रिप का सेकंड डे एंड अभी हम मॉर्निंग में उठ के आ गए थे ब्रेकफास्ट करने। इसके बाद हम जाएंगे मार्केट, बट यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 23 एंड यहाँ पे बहुत अच्छी धूप है। उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट स्टिल हमें जाना था मार्केट। सो अभी हम जा रहे थे नीचे रेडी होने के लिए। ओके, सो अभी हम तैयार हो गए हैं सभी। यस, सभी 10 मिनट तो आउटफिट सेलेक्ट करने में लगता है क्योंकि मैचिंग हो जाती है। एंड अभी हम जा रहे हैं मार्केट। कौन से मार्केट पता नहीं, वही लगेगा पता, क्योंकि हमें अभी कुछ पता नहीं है यहाँ का। अभी हम रेडी होके होटल के बाहर आ गए हैं एंड मार्केट जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी आप यहाँ से कौन सी मार्केट नियर बाय है एंड वहाँ पे क्या क्या ले सकते हो। एंड उसके लिए मैं स्पेशल चप्पल पहन के चली हूँ सो दैट मैं हर एक चप्पल ट्राई कर सकूँ। सो यहाँ पे होटल वालों ने हमें कुछ मार्केट रिकमेंड की थी, सो वही लेके आए थे। तो यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे लेके आए। प्रतिभा कर रही थी यहाँ पे साड़ी ट्राई, अपनी मम्मा के लिए देख रही थी। एंड यहाँ पे उन्होंने बताया था बहुत अच्छी मार्केट है, बट हमें यही देखने को मिल रही है। एंड हमें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लें, कुछ ऑप्शन नहीं है, मतलब बस जो दिख रहा है बस यही है। सो अभी हम देख रहे थे कि कोई और मार्केट मिल जाए, बाहर पूछते हैं और फिर वहाँ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास लग नहीं रहा था जो कि हम यहाँ पे ले सकें। सभी राजस्थानी कल्चर की साड़ीज़ थी, वो हम कहाँ पे वेयर करेंगे अगर हम ले भी लेते। कौन सा बच्ची, उसको मत लेना वरना समाधि। अभी भैया हमें ये सेकंड प्लेस पे लेके आए हैं, ये भी कोई मार्केट बता रहे हैं, बट बाहर से तो ये भी ऐसे लग रही थी और अंदर से सेम। यहाँ पे भी बस यही था कि साड़ीज़ एंड ऑल, और बस ये शॉप थी एक, मतलब ये मार्केट नहीं है कोई। ओके, सो अभी हम देख रहे हैं कुछ कुर्ते अपने लिए अच्छे से, बट हमें मिल नहीं रहे अच्छे से। हमें एक चप्पल पसंद आई थी, उसका साइज नहीं था। और मैंने एक साड़ी ली बस। कलर और भी नहीं है, थोड़ी हल्के प्रिंट में नहीं है, हल्का छोटा प्रिंट होता है जो। यहाँ पे बस इस टाइप के कुर्तीज़ थी जो कि हमें नहीं चाहिए थी एंड यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं थी अगेन। सो अभी हमने सोचा फिर से चलते हैं कहीं और। ओके, सो अभी हमें भैया लेके आए थे राजस्थानी नगर एंड यहाँ पे अगेन हमें कुछ नहीं मिला। मैं तो देख के आ गई थी, यहाँ पे बस चप्पल्स थी एंड ईयरिंग्स थे, तो मैं आ गई बाहर। एंड वो वहाँ पे अंशु एंड रीमा देख रहे थे अपने लिए ईयरिंग्स, तो मैं उनका वेट कर रही थी। अब हमने सोच लिया था, मैंने सर्च कर लिया था कि अब हम जाएंगे पिंक सिटी वाली मार्केट। ओके, यहाँ पे बहुत सारी मार्केट में जाने के बाद हमें स्टिल कुछ नहीं मिला। मैंने कुछ लिया हुआ है बट वो मैं बाद में बताऊँगी। प्रतिभा ने साड़ी ली हुई है एंड अभी वो दोनों इस शॉप में है पीछे। वो ईयरिंग्स देख रही थी अपने लिए बट अच्छे नहीं लग रहा। अब हम सोचा हम पिंक सिटी वाली मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे स्ट्रीट मार्केट भी है, तो वहाँ पे देखते हैं कुछ अच्छा सा। एक्चुअली कुछ राजस्थानी स्टफ में दिखा रहे हैं वो कुर्तेस एंड ऑल, मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। चप्पल आई हमें एक बहुत अच्छी पसंद, पर वो उधर मिलेगी, यहाँ मिल नहीं रही है अब। सो अभी कैब वाले भैया हमें यहाँ तक लेके आए थे। अभी हमने बोला आप जाओ, आप हमें पता नहीं कौन से मार्केट में घुमा रहे हो, हम खुद जाएंगे आगे। सो यहाँ पे ये जो ऑटो आप देख रहे हो, यहाँ पे आप रनिंग ऑटो कर सकते हो। 10 रुपये किराया नॉर्मल है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है बहुत, जिसमें आप नॉर्मल मार्केट में घूम सकते हो। पिंक सिटी एंड ऑल सभी पास पास में है, तो अभी हम खुद जा रहे थे मार्केट पिंक सिटी में। सो ये था पिंक सिटी का मेन गेट एंड यहाँ से एंटर करके पिंक सिटी स्टार्ट हो जाती है और साथ में यहाँ से मार्केट भी स्टार्ट हो जाती है। राइट साइड से आगे तक पूरी मार्केट है। यहाँ पे आप कपड़े, ज्वेलरी एंड स्लीपर्स कुछ भी ले सकते हो और बहुत अच्छे प्राइस में है। सो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट कि यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है। और यहाँ पे गोलगप्पे बहुत टेस्टी है नो डाउट एंड अगेन ज्वेलरी आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगी। 100 रुपीज़ पर पेयर था इन सबका प्राइस, जो कि मैंने भैया से पूछा था। सो अगर आप जयपुर आ रहे हो सो आप पिंक सिटी की मार्केट में आ सकते हो, बहुत नियर बाय है एंड आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा अच्छे प्राइस में। जहाँ पे वो लेके गए थे वो मार्केट तो माशाल्लाह। ये थी पिंक सिटी की मार्केट, पूरी पिंक पिंक पीछे से लेके आगे तक। अगेन यहाँ पे फ्लावर्स 100 के 2 पेयर थे। और यहाँ पे ये लोग देख रहे थे अपने लिए सूट्स एंड कुर्तीज़ एंड प्लाजो एंड ऑल, वो भी थे अच्छे प्राइस में। अभी हम बहुत ज़्यादा घूमने के बाद सोच रहे चलते हैं घर। अभी हमें जो भी चाहिए था हमने ले लिया था और अभी हम वापस जाने का सोच रहे हैं क्योंकि बहुत घूम लिया मॉर्निंग से। ओके सो अभी हम आ गए वापस एंड आज हमने बस बहुत सारी मार्केट घूमी। उस भैया ने हमें पहले पता नहीं कौन सी मार्केट उतारा था, वहाँ पे तो अजीब सी जो इतनी महंगी है वो मार्केट। अभी जो हम मार्केट से आए, पिंक सिटी के साथ में जितने भी मार्केट है जहाँ पे पिंक सिटी का गेट एंटर होता है उसके साथ में, वो सारे स्ट्रीट मार्केट बहुत अच्छे हैं। अगर आपको बजट में कुछ भी लेना है, कपड़े चप्पल एंड एवरीथिंग, खाना भी है, स्ट्रीट फूड भी अच्छा था। बट ऐसे बहुत ही महंगा था जो वो हमें पहले लेके गए थे जहाँ पे। सो अभी मैं अपने लिए चप्पल लेके आई थी, प्रतिभा भी चप्पल लेके आई थी। आई विल शो यू। ओके सो मैंने ये वाली चप्पल ली थी, बहुत सुंदर लगी थी, छन छन। एंड ये प्रतिभा ने ये ली थी बट इसको थोड़ी सी छोटी लग रही है क्योंकि इसने मेरे पैर के साइज की ली थी। वहाँ पे लेट मी चेक, दिस इज ऑल्सो छोटी। आई थिंक योर पैर बड़ा, स्मॉल आई थिंक योर पैर इज बड़ा या योर साइज। या मुझे तो ये भी ठीक है। ओके यू हैव डिफरेंट नंबर देन मी, बट वो तो हमें सेम है, वो वाली तो सेम थी, हल्की सी है बट या ऐसे छोटी नहीं है। एक्चुअली ये बहुत सुंदर लग रही है, छन छन राजस्थानी कल्चर। एंड बाकी हमने क्या लिया, बाकी एक और पेड़ लिया था दीदी के लिए एंड इसमें कुछ ईयररिंग्स थे। आई विल शो यू, ये तो रीमा ने लिए थे एंड और भी थे, ये थे हवा महल की तरह आई थिंक सो। एंड ये मैं कुछ लगोरियाँ लेके आई थी, आई थिंक ये खट्टी खट्टी होती है, मेरे को चेक करनी पड़ेंगी। बाकी हम बस यही लेके आए और कल ही हमने, और हम अपने खाने का बंदोबस्त करके आए हैं आज। कल हमें होटल में बहुत स्पाइसी खाना बनाया था उन्होंने, गंदा सा। सो आज हम पता नहीं क्या क्या ले आए हैं, सब कुछ चाउमीन एंड ऑल पैक करवा के, दही ऑल्सो इंक्लूडेड। ये जो मैंने चप्पल ली थी, अगर जिस मार्केट में वो भैया पहले लेके गए थे वो 950 की बता रहे थे, है ना। एंड अभी हम ये जो पिंक सिटी वाली स्ट्रीट मार्केट है वहाँ से 150 की लेके आए हैं, 150 का पेयर। एंड वहाँ पे बहुत अच्छे प्राइस थे इनके। ओके सो अभी शॉपिंग हो गई, अभी होटल आके अब ऑफिस का काम था, अब ऑफिस का काम था बहुत ज़्यादा, सब वो करेंगे। देन शाम के टाइम जाते हैं टेरिस पे, क्योंकि आज के लिए इतना था, कल देखते कल कहाँ जाते हैं घूमने, थोड़ा सा काम ख़त्म करके। ओके सो मैंने ये वाले रिंग लिए थे, ये इनमें ऐसे महल सा बना हुआ है लाइक हवा महल, ये मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे। जब मैं उसको प्रॉपर ड्रेस के साथ पहनूँगी या किसी फंक्शन में, आई थिंक ये तब भी और ज़्यादा अच्छे लगेंगे, आई थिंक सो। एंड ये जो पर पेयर 100 रुपीज़ पर पेयर था पिंक सिटी वाली मार्केट में, उससे पहले जो हम मार्केट में गए थे वहाँ पे तो बहुत महंगे थे, बट यहाँ पे मतलब कॉस्ट इनके ठीक ठीक थी, 100 रुपीज़ में ठीक है। सो गाइज़ ये था जयपुर का सेकंड डे हमारा, कुछ ऐसा गया शॉपिंग एंड ऑल में, क्योंकि फर्स्ट डे में हमने बहुत कुछ घूम लिया था। अभी हम कल का प्लान कर रहे थे। सो तब तक बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।